व्यूअर्स, आज हम आपके लिए रमजान रेसिपी के अंदर एक बहुत ही कूल और मजेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं, आइसक्रीम शेक। बहुत इजी है और बहुत ही मजेदार रेसिपी है और झटपट से तैयार हो जाती है। आप सहरी और अफ्तारी दोनों में एंजॉय कर सकते हैं इसको। जी फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताऊंगी कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं। फ्रेंड्स, हमें इसके लिए स्ट्रॉबेरीज चाहिए होंगी। स्ट्रॉबेरी की जगह आप बनाना भी ले सकते हैं और अपना कोई और भी फ्रूट जो फेवरेट हो वो ले सकते हैं। गार्निशिंग के लिए हमें बादाम चाहिए, पिस्ते भी ले सकते हैं आप, और ये कंडेंस मिल्क चाहिए होगा। चिल्ड मिल्क चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ हुआ, कोई भी नॉर्मल आप मिल्क ले सकते हैं। और हमें तकरीबन हाफ के जी आइसक्रीम चाहिए। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमें ग्राइंडर के अंदर दूध डालेंगे, आइसक्रीम डालेंगे। दूध ख्याल रखिएगा कि बहुत चिल्ड होना चाहिए, वरना फौरन से पिघल जाएगी हमारी आइसक्रीम। ये स्ट्रॉबेरीज जो हमारी ठंडी स्ट्रॉबेरीज हुई हुई हैं, फ्रीज हुई हुई हैं, इनके डालेंगे और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। जी, ये मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, इस तरह हो गया है ये। और वीवर, अब हम इसको जो है, ये ग्लासेस को हमने ये स्ट्रॉबेरी सिरप से साइडों पर डाला हुआ है, इसके अंदर हम अपना ये तैयार जो शेक है ये डालेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं मीठा, तो उसके अंदर आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ये जो आइसक्रीम है वो मीठी है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। कंडेंस मिल्क भी हम इसमें डालेंगे, वो भी मीठा है। ऊपर से हम ये आइसक्रीम इसमें डालेंगे। बहुत ही कूल रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगी ये। गार्निशिंग के लिए ये एलमंड इस पे हम डालेंगे। जी, कंडेंस मिल्क ऊपर से हम डालेंगे, ऊपर से कंडेंस मिल्क इस पे डालेंगे हम। हमारा आइसक्रीम शेक तैयार है।